Assalamualaikum, welcome to my YouTube channel Sweet and Savory by Chef Sumaira. उम्मीद है आप लोग सब खैरियत से होंगे. A very very happy Mother's Day सारी प्यारी प्यारी माओं को, बहनों को, खालाओं को, फुफियों को, जो जो हमारी माओं की तरह होते हैं, सारे रिश्तों को बहुत बहुत happy Mother's Day. उम्मीद है आप लोग सब खैरियत से होंगे. मुझे पता है आप लोगों को आज की हमारी ब्लॉग का बहुत इंतज़ार था. आज हम कहाँ पर हैं? आज हम आए हैं मम्मी को लेकर बेक हाउस पर. बेक हाउस से बहुत सारे लोग वाकिफ़ हैं. बेक हाउस की इंट्रोडक्शन मम्मी ज़्यादा मुझे लगता है अच्छे से देंगी. तो मम्मी आप बताएं ज़रा बेक हाउस के बारे में थोड़ा. अस्सलाम वालेकुम, क्या हाल चाल है आप लोगों के? हैप्पी मदर्स डे टू ऑल माय लवली लवली फैंस, माय व्यूअर्स, माय सिस्टर्स, माय भाभीज, माय एवरीबडी. एंड इस वक्त मैं अपनी फेवरेट जगह पर आई हूँ. फेवरेट जगह इसलिए कि आप लोगों को पता है कि मुझे बेकिंग का बेहद शौक़ है और यहाँ जितनी चीज़ें बेकिंग की मिलती हैं आपको पूरी दुनिया में जाके ख़रीदने की ज़रूरत नहीं है. यू आर गोइंग टू सेव योर डॉलर्स. आप यकीन करें आज एक डॉलर 300 रुपए का पहुँच गया. आप यहाँ आइए, ज़्यादा में ज़्यादा आप यहाँ पे बेक हाउस पे, अगर आप, मैं समझती हूँ, 25,000 रुपये लेके आ जाएँ या 30,000, 100 डॉलर लेके आ जाएँ, आप यहाँ से एक कार्टन भर के सामान ले जा सकते हैं. और यहाँ के जो ओनर हैं सलमान, वो तो क्या बंदा है, हीरा बंदा है. आपको डिस्काउंट भी देंगे और मेरा शो भी वो स्पॉन्सर कर रहे हैं पिछले 4 साल से. आप उनके शेफ्स देखते हैं, मेरे शो पे आते हैं. तो बस आप लोग यहाँ आइए और यहाँ के शॉपिंग करिए और जो कुछ लेना है देखिए. तो आज हम आपको बेक हाउस की सैर पर लेके आए. मदर्स डे हमने सोचा ये मेरी बेटी मुझे यहाँ शॉपिंग के लिए लेके आई है. बिल्कुल, मैं देखती हूँ क्या क्या दिला. बिल्कुल, आपका जो दिल चाहे आप ले सकते हैं. बस ठीक है, मैं कंजूस तो नहीं हूँ ना, आप नहीं. ये तो मानते हो ना? नहीं, तो नहीं, बस सही है. बिल्कुल, पर्स साथ में है, वॉलेट हाथ में है, कार्ड उसके अंदर है, बस जो चाहिए आप. बस ठीक है, चलें आप लोग भी हमारे साथ. विन है, यही तो बात है. इसीलिए मैंने कहा इंट्रोडक्शन में मैंने कहा अमेरिका, कैनेडा, बैंकॉक, कहीं जाने की जरूरत नहीं है. सिर्फ बेक हाउस का रास्ता पकड़िए. नहीं आ सकते जो लोग बाहर है, ऑनलाइन वेबसाइट ज्वाइन कीजिए, वहां से सामान उठाइए. ओफ, देख के अब लीना जरा दिखाना, सब मजा आ जाएगा. अब सुमेरा मुझे शॉपिंग कराएगी, आपको सामने बोल चुकी. बिल्कुल ठीक है, इनको पहचाना होगा. ये देखें ये कौन है हमारे लिए, इस्तकबाल के लिए खड़े हुए. ये सब जानते हैं इनको, शेफ शाहिद सुल्तान, जो कि हमारा शो भी करा रहे हैं, खास लाहौर से आए हुए. तो ये हमें यहाँ का पूरा टूर देंगे. ठीक है, और ये हमारी प्यारी सी फायजा हैं, मिसेस फायजा सलमान, जो कि सलमान की वाइफ हैं, और ये भी हमारे साथ हैं. आज सलमान को इत्तेफाक से आउट ऑफ कराची जाना पड़ा तो वो नहीं है, तो उन्होंने इनको भेज दिया हमारे लिए. थैंक यू सो मच. चाहे मैं आपसे एक छोटी सी रिक्वेस्ट कर सकती हूँ? अब आप ऑब्वियसली माशाल्लाह माशाल्लाह आप इतने अच्छे शोज कराते हैं, मसाला पे सब कुछ, तो शायद थोड़ी सी मैं ज़्यादा मांग रही हूँ आपसे, क्योंकि टाइम शॉर्ट है. आप एक केक बना सकते हैं ताकि मदर्स डे का, ताकि आज मदर्स डे है तो मम्मी से हम वो केक कटवा लें. थैंक यू सो मच. चोको हेज़ देखो, चोको हेज़ की बकेट्स. ये जबरदस्त चीजें हैं, बहुत ही खूबसूरत है सारे. बेक हाउस में पैसा चाहिए बस. कितने खूबसूरत ये इन्होंने बनाए हुए हैं, कितने क्यूट लग रहे हैं. ये देखो, यू लाइक दिस, ये ले लें. ये मुझे बड़ा शौक है ऐसी छोटी छोटी चीज़ों का. टॉपर्स इतने मुझे अच्छे लग रहे हैं. अभी हम मदर्स डे के भी देखते हैं, मदर्स डे के भी होंगे ना, अभी हम केक पे लगाएंगे. चीज़ें यहाँ पर, ये जो मुझे इतना शौक है डॉलीज यूज़ करने का, सारी यहाँ पर कलरफुल. आई थिंक विल गेट दीज ऑल्सो, अलग अलग कलर. ये मुझे बल्कि मिल गया मदर्स डे का टॉपर भी. अभी नहीं चलेगा, मुझे अर्जेंट बात. ये क्या है बेटा?
वो देखें डेकोरेशन कितने हसीन, कितने ब्यूटीफुल हैं ये सारे कलर्स भी हैं सारे सिल्वर। मम्मी ये देखो आपको याद है आप कनाडा से लेके आए थे सारे, कौन सा स्टोर था जहाँ से आप लाए थे कनाडा से? मामी जान आपको ले गए थे बहुत बड़ी दुकान है समथिंग विद बी ना बी 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 क्या ये मदर्स डे के लिए ये हम डाल सकते हैं केक पे सही है ना? ये तो ये कौन लेके आता है बाहर से? सलमान खुद जाते हैं इम्पोर्ट करके? छोटे में भी है, जरूरी नहीं अगर आपका इतना यूजेज नहीं है, वो तो ऑब्वियसली कमर्शियल यूज के लिए सारा कुछ है, बट जिनको घर में बनाना है, आजकल समर आ रहा है, बच्चों को शौक है बेकिंग वगैरह करने का, तो बच्चों के लिए भी है इंडिविजुअल है ये, वहाँ पे भी बहुत सारे हैं। ये कलर्स हैं, ओ जबरदस्त। ये मैं अपनी क्लासेस में भी यूज करती हूँ, हमारे वाले तो लाहौर के हैं काका बाबा के, बट ये देखें यहाँ पर भी अवेलेबल है, अगर आपको चाहिए तो आप ये यहाँ से ले सकते हैं। आप कहीं पिकनिक वगैरह पे जा रहे हैं आप वहाँ भी ले जा सकते हैं। ये देखें कितना खूबसूरत है, ये मेरा फेवरेट सेक्शन है और मैं सोच रही हूँ कि मैं अपनी आंखें बंद कर लूँ यहाँ पर, इतने ब्यूटीफुल। मुझे अब ये समझ नहीं आ रहा कि कौन सा लेना चाहिए और कौन सा नहीं, इतने खूबसूरत खूबसूरत बैग। अरे कितना हल्का है ये, किस चीज के लिए? ये अपा आपके टेबल के आप इसको कपकेक रख लें, ये तो मैं ले रही हूँ, तब ले रही हूँ तब मैं ले रही हूँ। ये बहुत क्यूट है, बहुत प्यारा है। और सुनहरा ये देखो, नहीं हाँ स्टैक वाला ले, और ये वाला देखो सुनहरा, ये तुम्हारी कुछ छोटी छोटी जो चीजें थाली या सब्जियाँ, थाली टाइप हाँ थाली टाइप हाँ कोई भी सब्जियाँ जो बनाती हैं जैसे इंडियन थाली छोले हाँ इंडियन थाली। हम चीज़ बाद में उठाते हैं, पहले अपने माइंड में उसको हम विजुलाइज करते हैं कि ये किस चीज़ के लिए हम इस्तेमाल करेंगे। मतलब ये ऐसी बड़ी भी है? हाँ बड़ी भी है, इससे बड़ी भी है, बड़ी तो हमारे पास है भी शायद, एक बहुत जबरदस्त। हाँ हाँ उससे बड़ी भी है। ये तो वो है ना आपका वीनस में जो मिलता है पूरी, छोला भटूरा, डोसा आप कैंटीन के लिए भी इसको यूज कर सकते हैं, ब्रंच के लिए भी, ब्रंच के लिए कैंटीन के लिए, हलवा पूरी अचार नहीं कुछ भी, जैसे ऊपर की स्ट्रिप्स काटनी है ना तो एक से सही, कुछ पतला कट रहा है कुछ अलग, ये एक साथ घुमा दो, चिकन पॉट पाए है, एप्पल पाए है, ये इसको यहाँ से लोड करते हैं, जितना मर्जी इसका साइज बढ़ा लो। अब हम यहाँ शॉपिंग तो खासी कर ली, थैंक यू बहुत बहुत शुक्रिया, मुझे यहाँ लाने का इट वॉज अ बिग सरप्राइज फॉर मी। और फिर अब हम चलते हैं शेफ शाहिद के पास उनके किचन में, देखते हैं कि सुमेरा ने जो उनको रिक्वेस्ट की है कि मम्मी के लिए आज स्पेशल केक बनाएं, तो वो शेफ शाहिद कौन सा केक बना रहे हैं। इसी बहाने आपको हम बेक हाउस के किचन का भी टूर दे देंगे। चल शेफ की हम यहाँ के रिकॉर्डिंग करेंगे। वाकई यस वाकई, क्या मजा, क्या किचन बनाया है। पर ये तो आपका 1% होगा ना, तो आपका बड़ा किचन तो अलग होगा ना, या फिर सारी बेकिंग यहीं पर करते हैं बड़े बड़े केक्स वगैरह यहीं पे होती है? कल हमारे घर पे आपने देखा था
सुमेरा ने मेरे लिए मदर्स डे सेलिब्रेट किया था, वो सरप्राइज थी। और यहाँ देखें ये शेफ रशीद और शेफ शाहिद ने मिलके हमारे लिए यहाँ पे भी सरप्राइज पार्टी कर रहे हैं, मदर्स डे की सैंडविचेस बना रहे हैं। सो स्वीट ऑफ देम। हालांकि सलमान यहाँ हैं भी नहीं, लेकिन मैं कहती हूँ ना, वाकई अल्लाह उस बच्चे को इतना नवाजे, इतना नवाजे, इतना नवाजे, मेरी दिल से दुआ। यही अगर ब्राउन ब्रेड में होते तो क्या बात। नहीं 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 नहीं, मैं वैसे ही कह रही हूँ, प्लीज। नहीं 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 नहीं, बिल्कुल भी नहीं, ये तो वो के मैं इसी में रख रही हूँ बेटा। इन सैंडविचेस का नाम तो बताएं या बस सैंडविचेस? सॉस तो एक्सीलेंट है, मैंने सॉस चखी है। दोनों अभी बनाई है, एक हनी मस्टर्ड है और एक ये दूसरी मेयोनीज और मस्टर्ड के साथ। ये सॉस एक्सीलेंट है माशाल्लाह, सब यहाँ पे बड़े बड़े प्रोज हैं। मम्मी ये तो हमारा बहुत एंटरटेनिंग व्लॉग बन गया, माशाल्लाह माशाल्लाह, वेरी नाइस। आई होप व्यूअर्स आप लोग भी इंजॉय करेंगे, हम लोगों को तो बहुत मजा आ रहा है। मुझे तो ज्यादा इसलिए आ रहा है क्योंकि एक्चुअली मैंने एक्सपेक्ट नहीं किया था, मुझसे अब शॉपिंग भी कोई खास होती नहीं है, करनी पड़ती है तो कर लेती हूँ, तो मुझे इतना शॉपिंग जाना है ये, पर इधर आके इधर का माहौल देख के और माशाल्लाह इन लोगों का प्यार देख के, तो बेटा अब उससे काटोगे कटर से? नहीं, जो हमने कटर लिया उससे काटोगे? नहीं, अगर हम पहले कटर का जो होता है, कटर जो है, जैसे कि हम यहाँ पर मेरी फरमाइश पर शेफ शाहिद ने, जब तक हमने शॉपिंग की, आपने देखा उन्होंने हमारे लिए फ्रेश सैंडविचेस बनाए, तो यहाँ पर उन्होंने एक बहुत ज़बरदस्त सा वनीला स्पंज केक बेक कर दिया। अब वो डेकोरेशन हमारे सामने करेंगे और आप ये देखें कि बस सिर्फ मेरा एक दफ़ा उनको कहना था, इतना खूबसूरत ये मदर्स डे का टॉपर भी लेके आए हैं और ये स्प्रिंकल्स भी ख़ास तौर से मेरे कपड़ों से मैचिंग लेकर आए हैं। सो दिस सो स्वीट ऑफ हिम कि उन्होंने कहा कि केक को हम मम्मी के लिए इस तरह से डेकोरेट करेंगे। आप कौन सा फ्लेवर, चॉकलेट केक बन रहा है, आप कौन सा फ्लेवर बना रहे हैं? मैं ये बना रहा हूँ चोको हेज। आपका चॉकलेट स्पेशल गनाश, बिल्कुल बिल्कुल, स्पंज तो इसका वनीला है, वैसे तो ये बनता है चॉकलेट स्पंज के साथ, लेकिन मैं इसको थोड़ा सा चेंज कर रहा हूँ, वनीला स्पंज के साथ और चोको हेज का जो है ना वो कॉम्बिनेशन करेंगे हम इसमें। बिल्कुल, और ये आपने पता है शेफ शाहिद बहुत अच्छा काम किया, क्योंकि अगर ये केक चॉकलेट होता और उस पे चॉकलेट आइसिंग होती तो मम्मी खाती नहीं, इनको इतना शौक नहीं है चॉकलेट का, तो ये वेनिला स्पंज है, बिल्कुल। तो अब हम देखते हैं कि ये किस तरह इसको डेकोरेट करेंगे, ये सारी चीजें आपके सामने हम लगवाते हैं शेफ शाहिद से। थैंक यू सो मच, आपने मेरी फरमाइश पर ये किया, थैंक यू। कौन सा केक बना रहे हैं शाहिद? ये उसके साथ जो आपने फ्रॉस्टिंग बनाई है चोको हिज से, तो उसके साथ जो है वो हमने इसको स्पेशली आपके लिए रेडी किया है। वनीला स्पंज मैंने इसलिए लगाया क्योंकि मुझे पता है कि आप जो है वो चॉकलेट ज्यादा पूरा चॉकलेट नहीं खाएंगे, ठीक है। तो ये हमने मिस सुमेरा
स्पेशल रिक्वेस्ट पे जो है, थैंक यू सो मच आपके लिए जो है वो आप मदर डे का केक बनाएंगे। मेरे माइंड में एक बात आई है कि जिस तरह अभी आपने हमारी रिक्वेस्ट पूरी की, तो मैं वैसे ही सोच रही थी इंशाल्लाह खैर से बकरा ईद आ रही है, तो क्या हम इधर आके एक बकरा ईद का शो कर सकते हैं जिसमें आप मैंगोज भी आने वाले हैं? हम आपको पता है कि मैंगोज हमारे कितने मशहूर होते हैं। ये दुआ करो कि ये यहाँ हूँ। आप कहाँ जा रहे हैं? ये लाहौर में रहते हैं। ये तो हम तो रिकॉर्डिंग करेंगे ना, हमारा शो तो लाइव थोड़ी करते हैं। हाँ, लेकिन जब ये होंगे तो आप आएंगे ना, वरना शेफ उनैद हैं, शेफ रशीद हैं। कोई भी हो, मैं बस चाह रही थी कि वो तो माशाल्लाह से शेफ रशीद हैं, शेफ उनैद हैं। बिल्कुल बिल्कुल, मैंने भी काफी लोगों के साथ काम किया है। बिल्कुल, थैंक यू सो मच। तो हम एक केक यहाँ, ईद का केक यहाँ पर इनसे बनवा सकते हैं। आप लोग बताइएगा, अगर आपको सीखना है तो हम बीपी बिप के किचन में आकर आपके लिए, तब तक जून एंड तक तो मैंगोज भी बहुत अच्छे आ जाएंगे, तो हम एक जबरदस्त सा मैंगो क्रीम केक या मैंगो टार्ट कुछ भी आप लोगों के लिए ईद की चौड़ी के लिए हम बना सकते हैं, बनवा सकते हैं। ये वाली क्रीम जो है, ये मैं सिर्फ आपका फिलिंग में यूज करूंगा। उसी तरह मैं इसको पहले सबसे सॉफ्ट करता हूँ, फिर ऊपर से लगाने की बात करूंगा। ये स्पंज केक आपने कितने अंडे का बनाया? ये स्पंज केक मेरे पास थे 7 इंच के 2 पैन थे, तो उनमें मैंने 6 अंडे का जो है बनाया स्पंज, मतलब एक पैन में आप 3 अंडे का स्पंज जो है। पाउडर ही उसके ऊपर ही ये स्लाइस रखूंगा, तो ये उसके साथ स्टिक नहीं होगा। जब मैं इसको मिक्स कर दूंगा तो फिर वो जो है हिलेगा नहीं ऊपर, वही मेरा मतलब है। So soft. इसको मैं थोड़ी देर के लिए फ्रिज में रखता हूँ ताकि ठंडा हो जाए। लाइट पे चलिए, डार्क का लाइट 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 इससे भी लाइट आता नहीं, थोड़ा और डार्क करूंगी और मेरा नहीं अच्छा लगेगा, इनके कलर्स बहुत डार्क है। ये फ्रॉस्टिंग के लिए बन रहा है, टॉपिंग के लिए। अंदर का तो आप लोगों ने देख लिया। अच्छा शायद अगर आप वाइट क्रीम में कलर ना डालते और अगर आप स्ट्रॉबेरी की विपी विप की क्रीम यूज कर लेते तो एक ही बात नहीं थी, फ्लेवर स्ट्रॉबेरी आ जाता, फ्लेवर स्ट्रॉबेरी आ जाता, चॉकलेट और स्ट्रॉबेरी अच्छा नहीं लगता।
थैंक यू सो मच शायद भाई, आपने हमारी रिक्वेस्ट पूरी की। आपके पास जब चीजें होती हैं, स्पंज बना होता है, क्रीम खाओ होती है, तो अच्छा बड़ी रीजनेबल है। हाँ जी, ये नहीं कि मैं आपको बोलूं आप ये चीजें लेने आए तो आप 50,000 साथ लेके आए, नहीं, मेरे ख्याल से 10-15 हजार में आपको बहुत कुछ मिल जाएगा, बहुत कुछ। देखें इतना खूबसूरत केक, आई होप आप लोगों ने यहाँ सीखा होगा शेफ साहिद जाहिद से। स्पेशली जो बेस्ट टेक्निक मुझे लगी है ना, जो इन्होंने ब्रश से बनाई है, उफ़ अल्लाह, और डबल कलर करके, और जो इसके ऊपर इतने खूबसूरत से सुनहरा के कपड़ों को मैच करते हुए हार्ट्स डाले, सो थॉटफुल ऑफ, सो थॉटफुल ऑफ। एंड यू मस्ट विजिट बेक हाउस, जरूर आइए, जरूर आइए, वरना वेबसाइट पे जाइए, वहाँ से एड्रेस कीजिए। इन द एंड आप लोगों से इजाज़त चाहेंगे ये कहते हुए कि थैंक यू सो मच बेक हाउस, थैंक यू सो मच सलमान एंड फायजा, हमेशा खुश रहो, आबाद रहो। इंशाल्लाह अब मैं वापस आऊँगी, बिकॉज मुझे आज तसल्ली नहीं हुई सलमान के बगैर शो करते हुए, तो आपके साथ आके हम एक और शो करेंगे, एक और ब्लॉग बनाएंगे इंशाल्लाह। थैंक यू शेफ रशीद, थैंक यू कांगे शेफ शाहिद, बहुत शुक्रिया फैज़ा, बहुत शुक्रिया बेटा, जीते रहो। आ जाए शेफ शाहिद, आ जाए, आ जाए, आ जाए, एक ही बात है, यही बात है। आपको तो केक काटना चाहिए आपके साथ, आए ना, हैप्पी बर्थडे, हैप्पी बर्थडे, थैंक यू सो मच। अब खा के तो बताओ कैसा बना है। टू गुड, सच में आप ट्राई करो। Oh, but that's too good. Excellent. I hope आज का मदर्स डे का व्लॉग आपको अच्छा लगा होगा। आप लोगों ने क्या क्या सेलिब्रेशंस की अपनी फैमिली के लिए, अपनी अम्मियों के लिए, अपनी, मैंने आपको कहा था, खालाएँ, मामियाँ, पुपियाँ, चाचियाँ सब माओं के बराबर होती हैं, अच्छी दोस्तें भी, बड़ी दोस्तें, बड़ी बहनें, आप हमें ज़रूर बताइएगा। वी हैड अ वंडरफुल टाइम, वी थरली इंजॉयड आवर लाइफ, और आपका बहुत बहुत शुक्रिया, आपका भी बहुत बहुत शुक्रिया। आई वाजंट एक्सपेक्टिंग कि यहाँ आके इतना मजा आएगा, अल्हम्दुलिल्लाह। अब मुझे देखना है कि तुम्हारी बेटियाँ तुम्हारे लिए क्या सरप्राइज देती हैं। बिल्कुल, एंड इंशाल्लाह इंशाल्लाह, एज हमने आपको प्रॉमिस किया है, हम सलमान भाई से बात करके और इंशाल्लाह ईद से पहले इधर दोबारा आकर ईद के लिए आपके लिए कोई भी एक डिज़र्ट, शॉर्ट ग्लास, केक, टार्ट, जो भी हमारे शेफ़ फ्री होंगे और वो हमारे लिए जो कुछ बना सकेंगे वो हम ज़रूर, अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा इंशाल्लाह, अगली वीडियो तक अल्लाह हाफ़िज़।